मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे हो? अरे मुझे नहीं लड़ना है तुझसे। तुमको मुझसे लड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं लड़ना है आपसे। मुझे लड़ना है तुमसे। पर मुझे नहीं लड़ना। मुझे लड़ना है तुमसे। अरे मुझे नहीं लड़ना है तो मुझे लड़ना है तुमसे। मुझे किक कर रहा था ना। हाँ क्यों? आज सुबह से बहुत क्या होता है कि शायद मैं भी थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, तो उस वजह से ज्यादा किक कर रहा है और वो अभी दिखाई महसूस हो जाता है कि हाँ भाई घूम रहा है या किक कर रहा है, सब मालूम पड़ जाता है। मैं इसमें डाइट चार्ट शेयर कर रही हूँ, मतलब मेरे डॉक्टर ने जो मुझे दिया है प्रेगनेंसी का डाइट चार्ट, तो मेरे को बहुत दिन से वीडियो बनाना था तो वो बना रही हूं। तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो फाइनली दिन की शुरुआत हो रही है, तो अभी खाना वाना बन चुका है। खाना बनने के बाद फिर मेरे को एडिट करना है, तो ये सारा काम मेरे को करना है, तो मैंने सोचा सबसे पहले स्टार्ट कर। और रश्मिता की तबीयत अभी ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा उसको थोड़ा बहुत हो रहा है ऐसा सर्दी जैसा, लेकिन बाकी तबीयत वगैरह सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चीज़ एक अच्छा होता है, क्योंकि कैसा है ना अभी जैसे प्रेगनेंसी में है ना, तो फिर उसमें थोड़ा खुद का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि खुद ही बीमार हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो अभी उठ गया हूँ, थोड़ा खाना वाना खा लेता हूँ, एडिट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर आप लोग को मिलता हूँ। चलो अभी जस्ट मैं फ्री हो रहा हूँ एडिट करने के बाद, और वीडियो वगैरह आप लोगों को दिखा चुका हूँ, आप लोग देख चुके रहोगे, क्योंकि कभी कभी टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। 2 से 3 बजे तक डालता हूँ, फिर कभी 10 बजे डाल देता हूँ। एक फिक्स टाइम मुझे पकड़ना है व्लॉग का यार, मैं सोच रहा हूँ क्या पकड़ूँ। अगर मैं रात में एडिट कर लूंगा तो सुबह 10 बजे मैं आराम से डाल सकता हूँ, तो वही मैं थोड़ा, आप लोग एक बार मुझे नीचे कमेंट करके बता देना कि कौन से टाइम पे मैं व्लॉग डालू, सुबह 10 बजे, दोपहर के 1-2 बजे या शाम तक, मेरे को प्लीज बता देना। मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, मैं एक टाइम पकड़ूंगा ना तो शायद मैं उसमें प्रॉपर हो जाऊँ। तो अभी ऐसा है कि शाम हो चुका है, काम हो चुका है, अब जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, चाय बन चुका है तो चाय पी लेते हैं। चलो दोस्तों, जब से मेरी शादी हुई है मेरी बीवी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। पहले मुझे खाना बनाने नहीं आता था, अब मैं सब खाना बना लेता हूँ। पहले मुझे बर्तन धोने तक नहीं आते थे, अब मैं सारे बर्तन धो लेता हूँ। कपड़े धोने तक नहीं आते थे, सारे कपड़े धो देता हूँ, फोल्ड करके मस्त रख देता हूँ। तो ये सब किसके वजह से हुआ? ये सब सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी के वजह से हुआ। वो हमेशा चाहती थी कि मैं कुछ नया करूं, कुछ अलग करूं। इससे किसका फायदा हो रहा है? इससे मेरा ही तो फायदा हो रहा है, मेरे 2 पैसे बच रहे। मुझे जोरू का गुलाम बोला जाता है कि तू जोरू का गुलाम। अरे भाई मैं जोरू का गुलाम नहीं हूं, मुझे नया टैलेंट मिला है कपड़े धोने का, बर्तन मांजने का। इतना सारा काम किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ बीवी के वजह से ना। I love you, my babu. बहुत प्यारी है मेरी बीवी। आई भी पूरा बर्तन धो के आता हूँ। एक नहीं सुनूंगा मैं। पूरा पगार आएगा वो मैं रखूंगा। और ये पूरा घर तुम क्यों चला रही हो? मैं चलाऊंगा पूरा घर, और घर का एक काम नहीं करूंगा मैं। मैं मेरे मर्जी से उठूंगा, मेरे मर्जी से सोऊंगा। यही बोलना चाहते हो ना अपनी बीवी को? मुझे पता है तुम लोग डर रहे हो। एक काम करो, मेरा वीडियो भेज दो अपनी बीवी को, और हाँ मेरी बीवी को मत भेजना। अभी हम लोग शूट कर रहे हैं और टाइम हो चुका है 9:30 बज गया, मतलब 9:30 बजे तक हम लोग को कैसे भी वीडियो डालना होता है। तो अभी हम लोग शूट कर रहे हैं, बेडरूम का शॉट है। क्या वो आया कि नहीं? अच्छा हाँ, दिखा एक बार दिखा मेरे को। ये वाला थोड़ी है, यही है क्या? हाँ तो ठीक है ना, चलेगा इतना भी ठीक है। चल दूसरा शॉट। तो अभी फटाफट हम लोग शूट करते हैं क्योंकि थोड़ा लेट हो गया है। चल तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? अगर छोले भटूरे हैं 5, ठीक है, और मैंने 5 भटूरे खा लिए तो क्या बचा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं बचा, छोले बचे ना, वो छोले तू खा लेना, ठीक है? कुछ भी नहीं बचा। अरे छोले भटूरे मैं 5 खा लिया तो सिर्फ छोला ही बचेगा ना। मैंने छोड़ भाई, तू नहीं समझने वाली। बनाते वक्त हम लोगों को सारी लाइट है ना, ये जितनी लाइट है ना हमारी सारी लाइट ऑन करनी पड़ती है, तब भी जाके हम लोगों को ऐसा क्लिक करके ऐसा ऊपर करना पड़ता है, तब जाके थोड़ा सा लाइट आता है। और हवा तो जैसे आप लोगों को पता है बिल्कुल भी नहीं आता है यहाँ पे, इसलिए ये जो पर्दा है हम लोग लगा ही रहने देते हैं। हमने बोला जब खोल के ही मतलब नहीं, हवा नहीं आता, फिर हमको एसी ऑन ही करना पड़ता है। इधर बारिश है तो भी ऐसा लग रहा है कि एकदम क्या बोलते हैं, हीट लगता है कि नहीं, ऐसा लगता है इतनी गर्मी है ना भाई। तो चलो अभी जो थोड़ा बहुत और वीडियो बनाना है फटाफट बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं वो आप लोग को दिखाता हूँ मैं। हाँ बता, क्या बोलेगी तुम मेरे को? तुम मुझसे लड़ क्यों नहीं रहे हो? अरे मुझे नहीं लड़ना है तुझसे। तुमको मुझसे लड़ना पड़ेगा। मुझे नहीं लड़ना है आपसे। मुझे लड़ना है तुमसे। पर मुझे नहीं लड़ना। मुझे लड़ना है। अरे मुझे नहीं लड़ना है तो मुझे लड़ना है तुमसे। मुझे नहीं लड़ना है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद
तुमको मैं परेशान कर दूंगी, तुमको चिल्लाना पड़ेगा। हाँ, ये ना कैमरा ऑन है ना, इसलिए सब ठीक कर रही है ऐसा ऐसा। अगर कैमरा ऑन नहीं रहता, कैमरा ऑन नहीं रहता तो दे दन 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 दन, तो चलो फटाफट शूट कर लेते हैं। जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा हाँ, पहले एक राज की बात तो मैं सब लोगों को बता दूँ, ये जो बड़ा सा दिखने वाला बैग होता है ना, इसके अंदर कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ दिखने में बड़ा दिखता है, जो भी खर्चा होता है वो इसी छोटे से होता है ना। तो ये रख दो ना, लेके क्यों जा रही हो? नहीं वो स्टाइल है बाबू, स्टाइल है ना, मेकअप का सामान होता है। हाँ, चलो। हाँ, चलो लूट लो, चलो चलो लूटो। अब जाके हम लोग का शूट खत्म हुआ है और अभी सिर्फ आधे घंटे में एक ही वीडियो बना हम लोगों का, वो वीडियो अभी रश्मिता एडिट करेगी, फिर वो वीडियो अपलोड करना है, तो ऐसा बहुत सारा काम होता है। अब वो एडिट करने में मुझे लगता है आधा घंटा, कितना टाइम जाएगा? आधा घंटा तो जाएगा ना, आधा घंटा तो कम से कम जाएगा एडिट करने के लिए। और अभी 9:30 बज रहे तो लेट जाएगा, अपलोड होगा 10 बजे तक अपलोड होगा, उसके बाद खाना वाना भी खाना है, जो जैसा होता है आप लोग को दिखाते हैं। बाकी आज बेबी बहुत किक कर रहा था ना, क्यों? आज सुबह से बहुत, क्या होता है कि शायद मैं भी थोड़ा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है ना, तो उस वजह से ज़्यादा किक कर रहा है, और वो अभी दिखाई महसूस हो जाता है कि हाँ भाई घूम रहा है या किक कर रहा है, सब मालूम पड़ जाता है। तो अभी चलो फटाफट एडिट कर रहे हैं, और आप लोग को ये वीडियो चाहिए तो इसमें भी दिखा सकता हूँ, या तो फिर आप लोगों को इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएगा। कब से सोए हुए, समझ रहा नहीं कितना बज रहा है? कितना बज रहा है? सुबह के 6 बज रहे हैं। अरे 6 बजे कौन उठता है? मैं उठती हूँ ना, तो तुमको भी उठना पड़ेगा, उठो। ठीक है, कोई चिंता मत करो। अरे धकलाना मुझे, मुझे मारना चाहते हो तुम, मुझे मालूम है मुझे क्यों धकला तुमने? मैंने धकला क्या? सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। ठीक है ठीक है, सुनो मैं आज खाना नहीं बनाने वाली, मैं थक गई। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाहर से मंगा लेता हूँ ना। पूरा दिन टीवी क्या देख रहे हो? मुझे भी देखना है। हाँ नहीं तो पूरा दिन बैठ के टीवी देखता रहता है। हाँ कोई बात नहीं, आप सीरियल देख लो। यार ये मुझसे लड़ ही नहीं रहे यार, कुछ तो करना पड़ेगा मुझसे। तुम लड़ ही नहीं रहे, लड़ो मुझसे। मैं नहीं लड़ूंगा। वो लड़ना पड़ेगा। मैं नहीं लड़ूंगा। वो लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ूंगा। जोर से चिल्लाया मुझे, मेरा मूड खराब हो गया, मेरा सर दुख रहा है, मुझे शॉपिंग करना पड़ेगा। मुझे पता था, मुझे पता था, इसलिए सुबह से लड़के झगड़ा कर लेती है, और मैं नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी एटीएम दूंगा, तेरा मूड ठीक हो जाएगा ना, है ना, शॉपिंग करके ना। मेरा मूड खराब कर दिया बाबू, भी शॉपिंग करके आऊंगी ना तो मूड अच्छा हो जाएगा, और ना कल से मुझसे लड़ना नहीं ठीक है, अभी मैं जा रही शॉपिंग करने, मेरा मूड अच्छा हो जाएगा, अभी आती हूँ। हम लोग बाहर नहीं गए तो हम लोग को आइडिया ही नहीं कि इतनी बारिश हो रही है, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि अंधेरी में पानी भर चुका है, और तेको मालूम हर जगह पानी भर चुका है, अंधेरी, ट्रेन लेट थी एक एक दो दो घंटा। तो अभी जस्ट हम लोग बाहर निकलने के लिए सोचे तो इतनी बारिश आ रही थी, तो फिर अभी हम लोग ने फर्स्ट बोलते ना, हमारे बारिश का फर्स्ट छाता हम लोग ने खोला है, मतलब लिया है, तो अभी इसको खोल के देखते हैं अच्छा है कि नहीं। अच्छा तो है यार रश्मिता, हाँ अच्छा है, ये देखो अच्छा तो है, यूज़ करने लायक है। तो अभी जाते हैं नीचे, बारिश तो बहुत आ रही है भाई, मेरे को तो लग नहीं रहा था आ रही है, बट ये देखो बहुत ही बारिश है भाई। चलो जाते भाई, काम तो है, करना तो पड़ेगा। अभी बारिश देखो बहुत आ रही है, तो मैंने बोला कि छाता लेके जाएंगे, और नहीं भी लेके जाएंगे तो भीगना तो है ही है, तो इससे अच्छा भाग के जाता हूँ। और कॉमेट चार्ज है, कॉमेट लेके आया था मैं, रश्मिता को बोला कॉमेट तो यहाँ तक भी आ जाएगी, अगर इसको ऊपर से ऊपर करेंगे ना यहाँ आ जाएगी, यहाँ बैठ के फिर रिवर्स ले लो। संभाल के भागो मत पवन, संभालो। अभी बाहर से हम लोग ने सामान ले लिया है, क्या क्या लेना था ये देख सकते हो आप। अभी हम लोग खाना वगैरह सब खा लिए हैं, रश्मिता का एक शूट करना है, उसके बाद उसको जाके सोना है। रश्मिता का कौन सा शूट कर रहा है वो आप लोग रश्मिता के चैनल पे जाके देख सकते हो। कौन सा शूट है तेरा? मैं इसमें डाइट चार्ट शेयर कर रही हूं, मतलब मेरे डॉक्टर ने जो मुझे दिया है प्रेगनेंसी का डाइट चार्ट, तो वो मेरे को बहुत दिन से वीडियो बनाना था तो वो बना रही हूं। और तू कितना फॉलो करती है डाइट? अगर ये चीज से लोगों का फायदा होगा तो क्यों नहीं करूं यार, मतलब मैं करती हूँ फॉलो, बट मेरा थोड़ा टाइम शेड्यूल सही नहीं है, अदरवाइज तो मैं करती हूँ फॉलो। नहीं नहीं फॉलो करते हो, और इसके चैनल पे जाके देखोगे तो आपको पूरा डाइट का ही दिखेगा क्या है कैसा नहीं है। वैसे जाके आप लोग इसके चैनल पे देख सकते हो। तो अभी फटाफट शूट कर लेते हैं, ये एंगल हमको काफी अच्छा लगा शूट करने के लिए, तो इसलिए हम लोग ये, हाँ ये अच्छा एंगल आ रहा है, इसलिए हम लोग ये एंगल से शूट कर ले रहे हैं। तो बस अगर आप लोगों को आज के वीडियो में मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, लव यू, ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, मिलते हैं कल।